Hi, my name is Amir and welcome back to the new video of my channel that is Physics for Backbenchers. Last video में हमने Newton's Laws of Motion के topic inertia की बात करी थी और inertia के types of with example हमने आगे किया था. आज हम इसी chapter को आगे proceed करते हुए Newton's ने जो laws दिए, 3 laws, उसके बारे में बात करते हैं. तो Newton ने first law में क्या बोला कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की करंट स्टेट को आप चेंज करोगे तो आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. सेकेंड लॉ में न्यूटन ने बोला कि उस ऑब्जेक्ट जब भी किसी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम को आप चेंज करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो उस वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. फिर उन्होंने थर्ड लॉ को इंट्रोड्यूस किया एक्शन और रिएक्शन पेयर के साथ कि फोर्स जब भी लगेगा पेयर में लगेगा, उसने एक्शन रिएक्शन नाम दिया. ठीक है, इस तरह उसने थ्री लॉज को लाया. अब हम लोग वन बाय वन उसको प्रोसीड करते हैं. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम आगे प्रोसीड करते हैं. तो फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने क्या बोला कि इफ एन ऑब्जेक्ट ईदर एट रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट ईदर एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन विल नॉट चेंज इट्स करंट स्टेट, चाहे जो भी स्टेट रहा होगा विल नॉट चेंज इट्स करंट स्टेट अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज नॉट अप्लाइड. अनबैलेंस्ड फोर्स इज नॉट अप्लाइड. क्या बोले न्यूटन ने कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्टेट पे हो, चाहे वो रेस्ट पे हो, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा हो या किसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा हो, तीनों स्टेट में से किसी भी स्टेट से आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. पर साथ में ये भी बोला कि आपको एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा. क्यों, मतलब एक्सटर्नल क्यों, इंटरनल क्यों नहीं, ऐसा क्वेश्चन. ऑब्वियसली डूड व्हाई इंटरनल क्यों नहीं यार, इंटरनल क्यों नहीं. तो इंटरनल क्यों नहीं इसके बारे में न्यूटन ने बोला, चलो एक काम करो, इधर आओ, ये मेरी कार है, इसमें बैठो, बिल्कुल टेंशन मत लो, अपने दोस्तों को ही बुला लो. उसके दोस्तों को ही बुलाया, कार में बिठाया और बोले ढकेल अंदर से, स्टार्ट नहीं करना, ढकेल के बढ़ा इसको. सबने फुल ताकत लगा दी, गुस्से में आए, ढकेलना चालू किया, सीटें उखाड़ फेंकी, ये वो, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, बिल्कुल नहीं हिला भी नहीं यार, ऐसे वैसे हिलने वाला नहीं, आगे भी नहीं गया पीछे भी नहीं गया यार. तब वो बाहर आए, बोले भाई क्यों, अमिन सर क्यों. तो न्यूटन साहब बोले कि देखो इंटरनल फोर्स ना स्टेट को चेंज करता ही नहीं, इसलिए तो अब मैंने क्या बोला एक्सटर्नल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनल, बिकॉज इंटरनल फोर्स इन करंट स्टेट को चेंज नहीं कर पाता है. ठीक है, आप कार के अंदर बैठ के कार को नहीं ढकेल सकते है, है ना. तो न्यूटन ने इसलिए डायरेक्टली उन्होंने एक्सटर्नल की बात करी है, नॉट इंटरनल फोर्स. ठीक है, चल ये मान लिया इंटरनल नहीं एक्सटर्नल लगा ले, पर अनबैलेंस क्यों, बैलेंस फोर्स भी तो स्टेट को चेंज कर सकता है. ओके चलो करके दिखाओ, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि बैलेंस फोर्स किसी भी स्टेट को चेंज कर सकता है कि नहीं. स्टेट मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो उसको मोशन में ला सकते हैं कि नहीं, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड में है तो उसकी स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं कि नहीं, और कोई डायरेक्शन में जा रहा हो स्ट्रेट लाइन में तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं कि नहीं. इन स्टेट को चेंज वी कैन डू और नॉट बाई यूजिंग बैलेंस फोर्स, क्योंकि न्यूटन ने बोला कि आपको अनबैलेंस लगाना, हम बैलेंस से ट्राई करते हैं क्यों बैलेंस नहीं, बैलेंस क्यों नहीं इस पे बात करते हैं. तो मेरा दो फ्रेंड आया, एक इधर से एक इधर से, दोनों ने खींचना चालू किया इक्वल फोर्स के साथ, ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा. मैं इधर ही, बोले भाई चल, ये बोले भाई तू चल इधर चल, दोनों ने खींचा. एक घंटे बाद तीनों भाई इधर ही गए नहीं किधर. बट अगर दोनों में से किसी ने, मान लो राइट वालों ने
ज़्यादा फोर्स लगाया होता तो हम तीनों राइट में जा रहे होते, अगर लेफ्ट वाले ने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया होता लेफ्ट वाले ने तो हम तीनों इधर जा रहे होते, पर दोनों ने इक्वल फोर्स लगाया तो मेरा जो भी स्टेट था करंट स्टेट रेस्ट था वो रेस्ट पे ही रह गया, ठीक है। अब कोई यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा, मान लो साइकिल चला रहे हो यूनिफॉर्म स्पीड से बिल्कुल मेंटेन करते हुए, ठीक। अब आपका दो फ्रेंड आया, एक ने ढकेलना चालू किया और एक ने खींचना चालू किया, सेम फोर्स लगा रहे दोनों, क्या आपके साइकिल की स्पीड बढ़ेगी? ऑब्वियसली नहीं। क्या घटेगी? मुमकिन ही नहीं है। तो जितना स्पीड से आप जा रहे हो उतना ही जाओगे, मतलब दो फ्रेंड ने रेस्ट को भी चेंज नहीं कर पाया, अब दो फ्रेंड ने यूनिफॉर्म स्पीड को भी चेंज नहीं कर पा रहा। अब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, मैं स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन में, मैं अपनी डायरेक्शन को चेंज करना चाह रहा हूँ, कब? जब फोर्स लगाऊँ। मान लो मेरा फ्रेंड एक ने इधर ढकेल दिया तो मैं भाग जाऊँगा, डायरेक्शन मेरे चेंज हो गया, पर दूसरा फ्रेंड भी आके सेम टाइम पे मेरे को ढकेल दे तो मेरी डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो बैलेंस्ड फोर्स होता है ना वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता, ओके? तो ना वो रेस्ट को मोशन में ला सकता है, ना यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सकता है, ना डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इसलिए न्यूटन ने बोला डायरेक्टली कि आप अनबैलेंस लगाओ, बैलेंस फोर्स आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है। ना आप इंटरनल लगाओ, ना आप बैलेंस लगाओ, आप डायरेक्टली लगाओ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड, ठीक है। तो इसको कंक्लूड करते हैं, न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या बोला कि इफ एन ऑब्जेक्ट ईदर एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड विल नॉट चेंज इट्स करंट स्टेट, ओके, अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन को भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है। अब ये सारी चीजें बिल्कुल इनर्शिया से मिलती जुलती लग रही है ना, दैट्स वाई इसको बोला कि आप इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें, दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। सिंपल, लिख लो इस पॉइंट को कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इस पॉइंट को आप बिल्कुल नोट डाउन करिए। सेकेंड, एक बात बताओ, न्यूटन बोला कि रेस्ट को चेंज करना फोर्स लगाओ, यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करना फोर्स लगाओ, डायरेक्शन को चेंज करना फोर्स लगाओ, पर कितना ये तो बताए नहीं। इसका मतलब ये है कि न्यूटन अपने फर्स्ट लॉ में फोर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, पर कितना इस बारे में कोई बात नहीं की। इसका मतलब है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो डिफाइन करता है फोर्स को वो क्वालिटेटिवली करता है। इसका मतलब उसने कोई भी फिक्स वैल्यू के बारे में बात नहीं करी है, क्वालिटेटिवली बोला है कि यस इफ यू विल अप्लाई द फोर्स देन करंट स्टेट विल चेंज, अगर आपका फोर्स अनबैलेंस और एक्सटर्नल है, पर कितना एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बात नहीं करी है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्वालिटेटिवली है। तो न्यूटन ने इनर्शिया को भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलेंगे, और फोर्स को भी इंट्रोड्यूस किया कि ये क्वालिटेटिवली है, क्वांटिटेटिवली मतलब नंबर फिक्स वैल्यू, जिसके बारे में उन्होंने फर्स्ट लॉ में कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कहानी। अब अपन मूव करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ को समझने से पहले हमें मोमेंटम को समझना पड़ेगा कि क्या होता है लीनियर मोमेंटम, क्या होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो